रामपुर के शहीद आजम स्पोर्ट स्टेडियम में आरपीएल सीजन 3 यानी रामपुर क्रिकेट प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ समाज सेवी मामून शाह द्वारा किया गया है। तो जो मुख्य अतिथि के तौर पर है मामून शाह साहब, सीधा बात करते हैं, जिस तरह से रामपुर प्रीमियर लीग सीजन 3 होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी का मौका है, और जब पहला हुआ था रामपुर प्रीमियर लीग आरपीएल, तो हमने जब भी कहा था कि बड़ी अच्छी शुरुआत है रामपुर के युवाओं के लिए, और खास तौर से खिलाड़ियों के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए जो रामपुर से हटकर नहीं खेल पाते। और बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पैसे का अभाव होता है, बहुत से ऐसे हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और अच्छे खिलाड़ी हैं और बाहर जाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उसके लिए इन्होंने बड़ा अच्छा तरीका निकाला है कि रामपुर प्रीमियर लीग करा कर उन खिलाड़ियों को उभारने की कोशिश की है, और वो खिलाड़ी रामपुर से उत्तर यूपी में जाएंगे और यूपी से फिर नेशनल खेलेंगे, और नेशनल खेलकर रामपुर में रामपुर का नाम देश में रोशन करेंगे। ये मैं इनकी, बादल साहब की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि क्रिकेट टूर्नामेंट कराना और करना, खेलना एक अलग चीज़ है, और जो लोग कराते हैं वो बहुत सख्त काम है और बड़ी मेहनत का काम है। इस धूप में, गर्मी में इतना अच्छा टूर्नामेंट कराना, ये इनके लिए मुबारकबाद है देता हूँ इनको, पूरी टीम को। और उम्मीद करता हूँ कि आरपीएल 4 जो होगा वो और इससे अच्छा होगा, और ये भी ऐतिहासिक होगा। मुझे रामपुर के सभी में खिलाड़ियों को, युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर भवनपुरी स्टेडियम आए और आन के यहाँ पर खेल देखें, क्योंकि और अपने बच्चों को भी लेके आए दिखाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ खिलाड़ी उभर रहे हैं और खेल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, और उन सबके लिए बहुत मुबारक। चलिए, जो यहाँ के आयोजक है उबादा इकबाल, बात करते हैं, क्या उद्देश्य है ये आईपीएल कराने का? उद्देश्य यही है, रामपुर प्रीमियर लीग में हमने जो रामपुर के लड़कों को सिलेक्ट किया है खिलाने के लिए, बाहर का कोई लड़का हम नहीं खिलाते हैं, क्योंकि रामपुर के लड़कों को मौका देना चाहते हैं हम आगे बढ़ने के लिए। रामपुर प्रीमियर लीग में कोई बाहर के प्लेयर की एंट्री नहीं है, सिर्फ रामपुर जिले के खिलाड़ी खेलते हैं। तो कौन कौन सी टीमें खेल रही हैं? आज टीम में है रामपुर थंडर्स है, डायनामिक है, राइडर्स है, लॉयंस है, रॉयल्स है। क्या ट्रॉफी रखी है आपने, क्या इनाम रहेगा विनर टीम? इनाम विनर टीम का 50,000 रुपीज है और रनर अप का 25,000। कब से कब तक चलेंगे मैच? ये लगभग 14 दिन का टूर्नामेंट है हमारा। तो आज दो टीमों, कौन कौन सी दो टीम है? रामपुर लायंस और रामपुर ग्रीन्स के दरमियान मैच खेला गया है। रामपुर लायंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रन मारे हैं और 164 रन का रामपुर ग्रीन्स को लक्ष्य दिया है। क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे, बहुत अच्छा और रोमांचक मैच चल रहा है, आए यहाँ पर देखें। चलिए, रामपुर लायंस और रामपुर ग्रीन टीम के जो कप्तान है, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शनवाज राणा। क्या कहना चाहेंगे? रामपुर लायंस क्रिकेट क्लब का मैं कैप्टन हूं, और अच्छा टूर्नामेंट की पहले ही है, और इस तरीके के टूर्नामेंट हमारे रामपुर में होना चाहिए, जिससे कि हमारी युवा जो प्रतिभा है, जो कि उसको एक प्लेटफॉर्म और स्टेटस नहीं मिलता, पहचान नहीं मिलती, उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्या सोच कर उतरेंगे इस बार? इंशाल्लाह सीजन 2 के हम फाइनलिस्ट भी हैं, विनर भी हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी इस बार फिर पार्टिसिपेट करें और इस बार फिर फाइनल जीतें और ट्रॉफी अपने नाम करें। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं सभी आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप अपना कीमती समय निकाल के इस खेल का आप लाइव प्रसारण दिखाने के लिए आए। सबसे पहले आपका शुक्रिया, और कहना चाहूंगा कि हमारे टीम ओनर इरशाद त्यागी जी बहुत अच्छे हैं, और टीम भी हमारी अच्छी है, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग सब अच्छा कॉम्बिनेशन है, और टारगेट मैं नहीं समझता इतना ज्यादा है, आसानी से हम चेस करेंगे। चलो, तो आप देख रहे हैं कि रामपुर प्रीमियर लीग सीजन 3 शहीद आजम स्पोर्ट स्टेडियम में हो रहा है। अगर आप भी क्रिकेट प्रेमी हैं और चाहते हैं कि अच्छे और दिलचस्प मैच देखने को मिले, तो शहीद आजम स्पोर्ट स्टेडियम में जरूर आइए। रामपुर से ईशान खान।